हिंगनघाट नगर परिषद द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अभियान अंतर्गत शहर के कचरे का योग्य व्यवस्थापन करने के लिए गुरुवार से हर घर दुकान में दैनंदिन घन कचरा संकलन के लिए बारकोड लगाने की मुहिम शुरू की गई है। शहर में बीमारी का प्रमुख कारण आजूबाजू फैला कचरा है। अस्वच्छता और जगह जगह फैले कचरे की वजह से शहर में दुर्गंधि, रोगराई और प्रदूषण में वातावरण की निर्मित होती है। इस समस्या के निदान के लिए नावीन्यपूर्ण उपाय योजना शुरू की गई है, जिसके तहत दैनंदिन घन कचरा संकलन के मॉनिटरिंग के लिए शहर में ICT बेस्ड प्रणाली कार्यान्वित की गई। इसमें शहर के घर दुकानों पर विशिष्ट कोड लगाए गए। कर्मचारी द्वारा घंटा गाड़ी से कचरा लेने पर कोड स्कैन किया जाएगा। इस प्रणाली से शहर में फैले कचरे को नियंत्रण में लाने का विश्वास प्रशासन ने जताया है। कंपनीला नगर परिषद कडून मिळालेला प्रोजेक्ट आहे आणि या थ्रू आपण प्रत्येक प्रॉपर्टीवर एक कोड लावता, विशिष्ट कोड ICT बेस्ड टेक्नॉलॉजी द्वारे। त्यांनी काय होणार आहे की जे कचरा घ्यायला आपल्याकडे घंटा गाडी येते, त्यांचे कर्मचारी कचरा घेतल्यानंतर हा कोड स्कॅन करतील आणि त्याच्यामध्ये मेन्शन करतील तुम्ही कुठल्या प्रकारचा कचरा दिला, सेग्रिगेशन म्हणजे तुम्ही ओला आणि सुका वेगवेगळा कचरा दिला आहे, मिक्स दिलेला आहे की दिला नाही, हे त्यामध्ये मेन्शन होईल। त्या थ्रू त्या कचरा संकलनावर आपण मॉनिटरिंग पण होईल आणि ते कर्मचारी व्यवस्थित काम करून राहिले का, तुमच्या घरापर्यंत येऊन राहिले का, त्यावर मॉनिटरिंग करण्याकरिता हा उपक्रम चालवला जातो। हिंगनघाट से BCN न्यूज के लिए रवि यनौरकर की रिपोर्ट।